सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721413185 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपरटेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपीएससी यूपी ट्रिपल एससी से आने वाले तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स आदि प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। हमारे यहाँ से क्रैश कोर्सेज यूपी कांस्टेबल को लेकर के वीडियो आदि के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। आप उसके परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी संपूर्ण तैयारी करिए और एक सीट अपनी आगामी आने वाली भर्तियों में सुनिश्चित करिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके रखा करिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो जाए और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर है आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आपका पहला ऐसा विज्ञापन है जो कि आपको इस महीने के अंत तक या मई माह में देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा। और टीजीटी पीजीटी के लिए जिस प्रकार की प्रक्रिया का उल्लेख हमने किया था वो प्रक्रिया आज आपको समाचार पत्रों के माध्यम से वो देखने के लिए प्राप्त हो चुकी है। इसमें कोई भी शक और शुबा नहीं रह गया है। सबसे बड़ी चीज यह है कि कोरम का अभाव पूरा होने के बाद जब सदस्यों आदि की नियुक्ति हो जाएगी तो आप लोगों का विज्ञापन भी तत्काल जारी कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आपका विज्ञापन कम से कम 23,000 पदों पर आएगा, कम से कम 23,000 पदों पर। तो यह आप लोगों के लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि पदों की संख्या कम थी और ज्यादा ज्यादा 12,000 से 13,000 पद ही बन पा रहे थे। इसमें 10,000 पद और बढ़ाने के लिए शासन से लेकर के अधिकारियों तक प्रेशर बनाया गया, शासन को बार बार ज्ञापन दिए गए और अब सदस्यों के आदि की नियुक्ति भी आरंभ हो चुकी है, कमेटी बन चुकी है, आवेदन लिए जा रहे हैं। और ये तो एक मतलब एक पार्ट है लाइफ का, मतलब उनको दिखाने के लिए, ठीक है ना। जो ओरिजिनल चीजें हैं पहले से ही आवेदन पहुंच चुके हैं, किनको सदस्य बनाना है, किनको अध्यक्ष बनाना है, ये सारी चीजें पहले से ही डिक्लेयर है, ठीक है ना। तो आप लोगों को परेशान बिल्कुल भी होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है अपने अस्तित्व में आएगा, बहुत जल्दी से कार्य होगा, आप लोगों का विज्ञापन आएगा, आप लोगों की परीक्षाएं होंगी और पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है, पूरा जो है यकीन है कि आप लोगों की ये टीजीटी पीजीटी 2022 31 दिसंबर तक वो कंप्लीट कर दी जाएगी। जो टाइमलाइन है उसी टाइमलाइन के भीतर ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी, 6 माह के भीतर, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोगों के लिए जो प्रयत्न हम लोग करते हैं उसका परिणाम आप लोगों को जो है समाचार पत्रों के माध्यम से भी दिखता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि चाहे मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन सौंपना हो, डायरेक्ट उनसे बात करनी हो मिल करके, या आप लोगों की समस्याओं को मंत्री विधायकों के माध्यम से जो है उन तक पहुंचाना हो, इसमें सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही अग्रणी रहता है। जो भी संशोधन आदि हुए हैं वो अब परवान चढ़ने लगे हैं। एलटी ग्रेड में भी बहुत सारे विद्यार्थियों को रिलैक्स मिलने चल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये आप लोगों के लिए एक स्वर्णिम अवसर के तौर पर सामने आएगा। और सारी चीजें सारी प्रक्रियाएं लीगल तौर पर होंगी तो किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों को कोई असुविधा नहीं होगी, है ना। हमारा भी प्रयत्न यही है कि किसी भी प्रकार की विद्यार्थियों को सुविधा ना होने पाए और जो चीजें हो रही हैं, जो चीजें परिवर्तित हो रही हैं वो पूरी तरीके से लीगल हो, विज्ञापन में उसका स्पष्ट उल्लेख हो। इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखते हुए लगातार अधिकारियों को और शासन आदि को ज्ञापन भेजे जा रहे हैं। आप लोगों को बस थोड़ा सा इंतजार करना और शेष बाकी रह गया है और आप लोग जो है मतलब थोड़ा सा इंतजार करिए, अपनी तैयारियों को मजबूत बनाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए, थक करके हार करके बिल्कुल भी मत बैठिए, क्योंकि थक करके हार करके बैठ जाना ये किसी भी कंपटीशनर को शोभा नहीं देता। मानते हैं परिस्थितियां इस समय विकट हैं, मानते हैं परिस्थितियां इस समय विपरीत हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी जो तैर करके पार हो जाए वही तो कंपटीशनर है ना। बहुत सारी चीजें परिवर्तित होती रहती हैं, बहुत सारी बुरे दौर आते हैं, बुरे के बाद अच्छे दौर भी आते हैं। आप में से तमाम हमारे भाई बहन
टीजीटी पीजीटी 2021 में भी सम्मिलित हुए होंगे, 69,000 शिक्षक भर्ती में भी सम्मिलित हुए रहे होंगे, 2018 एलटी ग्रेड में भी सम्मिलित रहे हुए होंगे। लेकिन आप लोगों की तैयारियां क्या पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, वो सारी चीजें डिक्लेयर ना होने की वजह से आज भी आप बेरोजगार बैठे हो। 15,198 पदों का टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन तो आया था, उसकी परीक्षा भी रिकॉर्ड समय में कंप्लीट कर दी गई। लेकिन यदि आपकी तैयारी संपूर्ण रही होती, यदि आपको ये पता होता कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो आज आप भी सेलेक्ट होते। तो अपनी तैयारियों को आरंभ करिए, विज्ञापन आदि का इंतजार बिल्कुल भी मत करिए। जुड़िए हमारे साथ में सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल, हमेशा ही आप लोगों को उचित मार्गदर्शन, उचित गाइडलाइन प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। अब बात कर लेते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियों को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी से ये तो क्लियर हो गया है कि वीडियो की जो वैकेंसी आएगी वो वीडियो की वैकेंसी आपकी 2,142 पदों पर होगी, ये कन्फर्म है। साथ ही साथ और भी कई ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियां हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से होंगी। और शासन से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि अब की बार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो पेट है उसे ना कराया जाए, बल्कि समस्त विद्यार्थियों को उसी तरीके से समान अवसर प्रदान करते हुए जो है पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, जैसे कि हमेशा से होता रहा है। और शासन की लगभग इस पर सहमति भी बन चुकी है कि इस बार आपका पेट ना कराया जाए, ठीक है ना। और यदि ऐसा होता है तो आप लोगों के लिए एक बृहद अवसर भी उपलब्ध हो पाएगा। अब हम बात करते हैं आपके एसडीआई खंड शिक्षा अधिकारी और एपीओ की भर्ती को लेकर के। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए जो अध्याचन आदि प्राप्त होने थे वो लोक सेवा आयोग तक पहुंच चुके हैं, उसका वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आपके जो है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए ये तमाम चीजें जो है मतलब लटकी हुई हैं, तमाम भर्तियों के बड़े बड़े विज्ञापन लटके हुए हैं, इसी वजह से कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता पहले कन्फर्म हो, क्योंकि टाइम स्लॉट में एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भी है तो उसे जो है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये अधिकारियों की नाकामियां हैं जिसकी वजह से अभी तक भर्ती पेंडिंग में है, अभी तक आपका विज्ञापन नहीं आ पाया है। इसकी शिकायत शासन से की गई है और शासन से रिक्वेस्ट किया गया है कि समकक्ष संबंधी जो मुद्दा है उसे तत्काल जो है वो निराकृत करके जो है प्रेषित किया जाए, ताकि विज्ञापन आदि की समस्या से निजात मिल सके। आज बीएड की अनिवार्यता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक बढ़िया अच्छी खासी बहस भी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें एनसीटीई का पूरा जो है कानूनी जमात उतरने वाला है। और साथ ही साथ आपके जो है एमएचआरडी मिनिस्ट्री से बहस करेंगे आपके सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी भारत देश के। केंद्र सरकार ने अपना जवाब पहले से ही दाखिल कर रखा है, अब उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना जवाब जो है वो आज महाधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित करा देगी। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोगों को परेशान या निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वही सरकार है जिसने बीएड बेरोजगारों को प्राथमिक शिक्षा भर्ती में मौका दिया था, और यही अब सरकार ऐसी है कि जो कि मतलब अब प्राथमिक शिक्षक में बीएड वालों को बाहर होने से भी बचाएंगे। हम आपको एक बात की गारंटी दे देना चाहते हैं कि आप लोग बिल्कुल भी डरिए मत, आप लोग बाहर नहीं होंगे, किसी भी कीमत पर बाहर नहीं होंगे, ठीक है ना। फेवर में आपने फैसला आएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। हमारे बीएड के भाई बहन वो जो है अपनी तैयारियों में जुटे रहें, लगे रहें, आपके साथ सरकार है, आपके साथ सिस्टम है, और पूरी मजबूती के साथ आपकी पैरवी की जा रही है, तो आपको परेशान या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस निराशा के वातावरण में अपने आप को पॉजिटिव बनाते हुए थोड़ा सा प्रयत्न करिए अपनी मंजिल की तरफ। मुश्किल जरूर है, मुश्किल रास्ते जरूर हैं, लेकिन मंजिल आपकी जो है वो एक न एक दिन आपके सम्मुख जरूर आएगी। मजबूती के साथ तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, अपनी तैयारियों में जुटे रहिए, लगे रहिए, रमे रहिए, क्योंकि सफलता एक बार मिलती है, परीक्षाएं बार बार होती हैं, ठीक है ना। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। ये चैनल हमेशा से ही आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आप लोगों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।